तुम्हाला कसं काय वाटलं? तुम्ही मशीन घेतली, सिम्प्लेक्स दाखवा तुमची कुठे आहे. तुम्ही सिम्प्लेक्स घेतली, ट्रेनिंग व्हिडिओ सगळं झालं, आता तुम्हाला मशीन घेतली, व्यवहार झाला. मशीन घेतली आहे, मला फार आनंद झाला. मशीन म्हणजे एकदम कम्फर्टेबल आहे, चांगली वाटली मला. मी जालन्याहून आलो आहे, माझी भरपूर दिवसाची इच्छा होती, मी भरपूर मशीनरी घेतल्या, पण सिम्प्लेक्स सारखी नाही आहे, कारण हे वापरायला पण सोपी आहे, कुठे न्यायला पण सोपी आहे, एकदम कम्फर्टेबल आहे. आणि माझ्याकडे कुणी यावं असं तुम्हाला वाटतं, तुम्हाला काय वाटतं की माझी सीट ट्रीटमेंट? महाराष्ट्रातील जो प्रत्येक व्यक्ती आहे ज्याला घ्यायची आहे त्यांना फक्त इथनंच न्या, कारण ते बाहेरून घ्यायला पुरत नाही. मराठी माणूस आहे, एकदम चांगल्या चांगल्या पद्धतीने शिकवतो पण आणि चांगली गॅरंटीची मशीन देतो पण. तुम्हाला काय वाटतं काका, सांगा तुम्ही. तुमचा अनुभव आणि तुमचा प्रॅक्टिस पाहून आम्हाला खूप आनंद झाला, आणि जिकडं आमच्याकडे तिकडं कोणी गिराईक भेटेल ते तुमच्याकडे पाठवू. आणि इथं आल्यानंतर विशेष म्हणजे ते आपल्याला कमीत कमी 1000 रुपये तरी कमी करून घेतात, कारण आपली परिस्थिती पाहून आपला येण्या जाण्याचा खर्च वाचवतात, एवढं त्यांचं चांगलं आहे. ठीक दोस्तों, नमस्ते. आज हमारे पास आए हैं महाराष्ट्र के जालना, जालना से मराठवाड़ा से कस्टमर आए हैं. क्या नाम अपना? गोपाल काकफड़े. गोपाल काकफड़े, ये इनको इन्होंने बहुत लोगों को पूछा, बहुत कुछ किया, बहुत जगह गए, बहुत एक साल से रिसर्च कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी अपनी आज ये सिम्प्लेक्स लेने के लिए हमारे पास आए, तो थोड़ा ये अपने बारे में बताएंगे, क्या कैसा लगा, क्यों इन्होंने सिम्प्लेक्स चॉइस किया, बोलो थोड़ा. काय नाही, मराठीत बोलत आहे. हां, मराठीत बोला ना. मी भरपूर मशीनीमधील बघितलं, पण मला सिम्प्लेक्स सारखी कोणतीच मशीन नाही आवडली, कारण हिच्या मुकाबल्यात कुठलीच मशीन नाही आणि एवढ्या सस्त्या प्राईजमध्ये, त्याच्यामुळे मला हीच आवडली. तो आज हम लोग देखेंगे इस चीज का, ये महाराष्ट्रीयन है, महाराष्ट्र के कस्टमर है, तो इसके लिए मराठी हिंदी नहीं आता हमको. तो आज हम सिम्प्लेक्स के लिए, बहुत से कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि सर इसमें नॉच कैसे. हमारे कस्टमर पटोले करके, मेरे ख्याल से वो अमरावती या बुलढाणा है कहीं के हो, तो उनका एक ये था कि मुझे सर मुझे सिम्प्लेक्स का थोड़ा नॉच बताएंगे, मतलब कोई भी मेटल बंद करना है, कोई भी बटन चालू करना है मेटल, वही आवाज़ करेगा, वो चाहे जिसको बंद करना है बंद कर सकते हैं, तो वो उनको सीखना था. इसके लिए आज का वीडियो है, हम लोग देखेंगे सिम्प्लेक्स में क्या क्या आता है. आज हम लोग देखेंगे, ये रहा सिम्प्लेक्स का बॉक्स है, इसमें देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या आता है. इसमें आता है पहले तो वायरलेस, इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही वायरलेस हेडफोन, और इसके लिए ये आया है क्योंकि इनको सीखना था. ये देखो सिम्प्लेक्स का, ये देखो न्यू पेटी पैक नोक्टा माइक्रो सिम्प्लेक्स का हेडफोन है, इसको अभी चार्जिंग नहीं किया मैंने. ये सिम्प्लेक्स के साथ कैप आता है, ये WHP के साथ में आता है, विदाउट WHP मतलब विदाउट हेडफोन के साथ में कैप नहीं आता है, कंपनी इसके साथ में कैप देती है. इसको नोट करें, इसका मैनुअल साथ में है, उसके बाद में है इसका ये कंट्रोल यूनिट. देखिए दोस्तों कितना फ्रेश और बढ़िया पीस है, एकदम ड्यूरेबल और बेस्ट है, पूरा वाटरप्रूफ है, 10 फीट तक जमीन में पानी में डुबा सकते हो आप लोग इसको. ये यहाँ पे रखता हूँ. इसके साथ में इसका एक चार्जिंग केबल आता है जो USB रहता है, सिर्फ इतना ही आता है, चार्जर साथ में नहीं आता है, कंपनी कोई भी चार्जर इसके साथ में देती नहीं, सिर्फ यही है, यही आपको लगाना कॉर्ड, और ये मोबाइल के इसमें चार्जर में आपको ये USB डालना है आपको. इसके बाद में इसमें आता है, देखो ये हैंड रेस्ट के लिए आता है, ये आपको बताऊंगा मैं किस तरह से लगाने का. आज का वीडियो आखिर तक देखिए, और बाकी भी जिसको जानकारी चाहिए, हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, पूरी जानकारी के लिए बाकी वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगा तो मशीन खरीदने भी आ जाइए. ये है इसके साथ में, ये हेडफोन का चार्जर है दोस्तों, ये हेडफोन का चार्जर है, और ये इसका कॉइल को फिट करने के लिए, फिटिंग करने के लिए ये आते हैं, वो स्क्रू है. एक एक्स्ट्रा वाइसर आता है इसमें, और दो मैंने लगाए हुए हैं ऑलरेडी, मैंने इसको ओपन करके वापस चेक करके उसको ये किया है, जब मशीन आता है तो चेक करनी पड़ती है हमको. इसके बाद में इसके सेकंड वाले खाते में ये इसका पाइप आता है, देखिए एकदम पेटी पैक है एकदम. ये देखिए इसका बाकी पूरा यूनिट, ये दोस्तों इतना सिम्प्लेक्स के साथ में आता है. ये मैं इसको इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है. अब बात रहेगी अब सिम्प्लेक्स असेंबल कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज, क्योंकि जो नया बंदा लेता है, एक बार यूज कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नया बंदा है उसको लगता है कि ये कौन सा रॉकेट साइंस है, ये क्या है, ये कैसा करेंगे, हमारे से कुछ गलती हुई टूट गया तो क्या करेंगे. 2 साल का वारंटी आता है, इसको कुछ होता नहीं. ये इसके वाइसर गिरे, ये देखो इसको कुछ भी होता नहीं है इसको. ये इसके दो वाइसर आते हैं, देखिए वो थैली में आते हैं, वो यहाँ पे लगाने हैं. मैंने जैसे बोला था कि पहले मैंने चेक कर लिया मशीन को, और एक यहाँ पे लगा दिया, बस ये दोनों लगा दिए. इसके बाद में इसका जो छोटा वाला पतला हिस्सा है ऊपर की तरफ, और ये इस तरफ रहेगा, ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया. देखो दोस्तों ठीक से देख लो, बहुत लोगों को दिक्कत होती है सिम्प्लेक्स को लगाने में, बाकी मशीनों को लगाने में फ़र्क होता है. अभी इसमें क्या करना है हमको, ये यहाँ से मैंने इसको
पहले प्रॉपर इसको ये करना है अभी। हाँ ये देखो गया। अभी ये जो है खाँचा, बाकी इसमें गोल वाइसर आता है, मतलब सिर्फ इतना ही आता है, लेकिन सिंप्लेक्स में फिटिंग के लिए आपको ये भी दिया है। ये मैंने यहाँ पे ये लगा दिया और ये इसको कस दिया। दोस्तों ध्यान से देखना क्योंकि कहीं कुछ रह नहीं जाए, मिस नहीं हो जाए। ये हो गया काम। अब ये बात को अच्छे से ध्यान में रखना है, कभी भी इस चीज़ को उठा के ही इसमें, ये लॉकिंग सिस्टम है तो ये बंद करके डालेंगे तो अंदर का पार्ट टूट सकता है, जिसको जो प्रेशराइज करता है वो, ठीक है। तो ये रहा इस तरह से, ये इसमें गया। इसमें देखो नंबर आते हैं, इतना तक इसको ऊपर कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा ऊपर इतना तक कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं करना है इसको। ये पूरा के पूरा इसमें गया। ये टोटली फोल्डेबल मशीन है, वाटरप्रूफ है और बहुत वर्सेटाइल है, हाईली वर्सेटाइल है। ये देखो अभी मैंने भी इसको खोलने से पहले मैंने इसको ओपन किया, अब मैं ये इसमें डाल रहा हूँ। ये देखो, अब देखो ये दोस्तों कितना छोटा हो रहा है मशीन, ये छोटी सी सैक में भी आ जाएगा मशीन। अब इसका वायर, इसको ये करने के लिए क्या करना होता है, देखो आप समझ लो इस बात को। ये मशीन खुल गई, ये इतना हो गया, थोड़ा सा अंदर लेता हूँ ये। अब ये जो हिस्सा है ये देखिए, इस तरह से उसको ये हो गया, यहाँ पे इसको ये इसमें जाएगा, लेफ्ट नहीं राइट वाला। ये जो है जिसको ढक्कन आता है, ये हेडफोन के लिए आता है, जो वायर हेडफोन आता है, और चार्जिंग का यूनिट है। यहाँ पे चार्जिंग भी होता है और यहीं पे बाकी भी होता है। ये भी नया है ना, इसके लिए थोड़ा सा रबर हो नहीं रहा, तो इसको ठीक से फिट करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मशीन कभी कभी चैटरिंग करती, लोग बोलते हैं तो ये प्रॉपर अगर लगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना एक बॉडी अर्थिंग होता है और एक अंदर के कॉइल का अर्थिंग होता है, दो अर्थिंग पोल होते थे, तो इसके लिए उसको ठीक से आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा आपका। ये देखो अभी मेरा भी काम नहीं हो रहा है। हाँ नहीं नहीं लग गया, ये लग गया, ठीक है। अब ये हुआ इतना, ठीक है। अब इसके बाद में हमने इस मशीन को ऑन किया। अभी देखो दोस्तों यहाँ नीचे फ्लोर है, यहाँ पे पूरा सब नीचे कंस्ट्रक्शन है, इसके नीचे स्लैब है, तो इसके कारण नीचे लोहा है तो मशीन थोड़ी सी आवाज़ करती है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ क्योंकि अपने कोई फील्ड पे नहीं जा रहे हम लोग। ये देखो ये भी थोड़ा सा कर सकते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखो सिंप्लेक्स मैं ऑन कर रहा हूँ इसको। हे बगा ये बटन आए तो ऑन करे, ये मैंने ऑन करके ये करता हूँ। मैं अभी सिर्फ वीडियो में इतना दिखाने वाला हूँ कि इनको ऑन करके और हेडफोन कैसे पेयर करना है। अब ये जो सेंसिटिविटी है इसको कम करना है क्योंकि सब इलेक्ट्रिसिटी चारों साइड में है, इसके लिए ये देखो मैं अभी कम करता हूँ, आवाज़ करना बंद कर दिया इसने, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो नॉर्मल रह जाएगी। ये नीचे सब लोहा है ना, इसके लिए इस तरह से आवाज़ करता है। अब मुझे आपको ये दिखाना है, तो दोस्तों देखो इसमें किस तरह से आपको हेडफोन, मैंने ये हेडफोन का बटन है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। इसको ऑन करने के बाद में इस यहाँ पे देखना है आपको, ये देखो डायरेक्ट ऑटोमेटिक उसको कनेक्ट हो गया हेडफोन के साथ में, तो इतना आसान है इसको कनेक्ट करना। तो ये अगर इस तरह से लगाना है, उसके बाद में सिर्फ आपको ही आवाज़ आएगा, ना कि किसी अड़ोस पड़ोस को आएगा। तो आपको जो काम बहुत चुपचाप करना है, किसी दूसरे को पता नहीं चलना है, तो ये सबसे बेस्ट है। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, बहुत बेस्ट है ये हेडफोन। ये जो हेडफोन है ब्लूटूथ से 6 टाइम फास्टर होता है। क्यों ये कंपनी का हेडफोन, मतलब कंपनी क्यों बोलती है कि अपना हेडफोन लेना पड़ेगा, उसका ही लेना पड़ेगा, वही अटैच होता है इसमें, बाकी कोई ब्लूटूथ इसमें अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी इनका थोड़ा सा नॉर्मल एक सेशन लेता हूँ, फिर उसके बाद में इनको मैं एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, उसका वीडियो होगा, तो अभी हम पॉज कर दें थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों ये जो गोपाल जी आए हैं जालना से आए हैं मशीन लेने के लिए, सिंप्लेक्स लेने के लिए आए हैं, तो उनका ट्रेनिंग का सेशन पूरा हो गया। अब ये खुद बात करेंगे कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, इनको ग्राउंड बैलेंस करना आता है कि नहीं, आप देखोगे और ये बताएंगे। तो आप मशीन चालू करा, मशीन चालू करिए और ऑन करके ग्राउंड बैलेंस करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। स्विच ऑन किया, हाँ अभी ग्राउंड बैलेंस, अभी ये घर में होने के कारण स्लैब है पूरा स्टील, इसके कारण ऐसा आवाज कर रहा है। अभी देखो आवाज स्मूथ हो जाएगा, सेंसिटिविटी कम कर। हाँ, अभी ये नीचे देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये अभी एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर घुमा के आपको बताएंगे कि इनको क्या क्या मैंने सिखाया, वो खुद ही बताएंगे अभी।
अभी सेंसिटिविटी थोड़ा कम है। सेंसिटिविटी एक पे रखा है, सिंगल पे रखा है, सात पे फुल है, सात पे रखा है क्या? हाँ, अभी ये क्या है? ये आयरन एकदम बेकार आ जाता है इसका, ये कास्टिंग, ये कास्टिंग है। खाली देखो ना, ये कॉपर है, ये कॉपर है, प्योर कॉपर है, उसका आइडिया अलग आता है। देखो दोस्तों, अभी ये गोल्ड भी रखता हूँ यहाँ पर मैं, ये आपको दिखाएंगे गोल्ड का आवाज कैसा आता है। ये देखो इसका 80 है 80 85, अरे कॉपर है, ये प्योर कॉपर है, 90-95 तक जा रहा है। हाँ, अरे गोल्ड, ये इसका सरफेस इधर है। हाँ करो, चालीस 45 50, क्योंकि सेंसिटिविटी एक पे रखा है इसके लिए ये थोड़ा कम दिखाएगा, क्योंकि उसका आईडी जो दिखा रहा है वो प्रॉपरली दिखा रहा था, इसके लिए मैंने उसको पकड़ के दिखाया। सेंसिटिविटी एक पे रखा है हमने, साथ उसका फुल होता है। अभी आपको दिखाएंगे कैसा पिन पॉइंट होता है, सब होता है आपको ये दिखाएंगे। दोस्तों ये जो मशीन का जो ये है, जितनी छोटी चीज़ उतनी पास से दिखाएंगे, जितनी बड़ी चीज़ उतना दूर से दिखाएंगे, मैंने इनको बोला था। और ये बोल के ही मैं मशीन दे रहा हूँ। देखो ये अभी ये थाली है, इसको कितना दूर से दिखाएगा, ये स्टील का थाली है। अभी सिंगल फ्रिक्वेंसी पे एक पे रखा है, थोड़ी बढ़ा, देखो अभी बढ़ गया, जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाया उन्होंने, देखो अभी कम किया, कम किया, देखो बंद हो गया। अभी देखो वापस चालू करो, ये देखो अभी बढ़ा दिया, खुद कस्टमर अपने जुबानी कर रहा है, खुद चेक करके ले रहा है मशीन। इस तरह से गोल्ड डिटेक्टर में मशीन मिलता है, जो काम की बात वही यहाँ पे होती है, कोई ढकोसला यहाँ पे होता नहीं। ये देखो ये लगभग ये 4 फीट तक दिखा रहा है दोस्तों, और भी दूर जा रहा है। अगर ये हवा में 4 फीट दिखा रहा है तो अगर जमीन में होगा तो 6 फीट तक भी बता देगा, ज्यादा ही, लेकिन मैं तो 6 फीट का पकड़ के चलता हूँ। 5 फीट 6 फीट भी मिला तो भी सक्सेस है अपने को, ज़्यादा मिलना है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी तो दूर से बताएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा ही ऑब्जेक्ट जमीन में होगा, छोटा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अपने को 5-6 फीट तक छोटे भी ऑब्जेक्ट हो तो छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए सिंपल बहुत बढ़िया है। अभी इसमें ये दिखाएंगे आपको, इसी टॉर्च लाइट चालू करूँ आपको, अब इसको टॉर्च लाइट करके मैं लाइट अंधेरा करके दिखाऊंगा, ये लाइट कितना गिरता है यहाँ पे नीचे इसका। देखो अभी ऑन कर रहे हैं लाइट का, एकदम सेफ्टी जैसे सेटिंग मधुन आई। हाँ अरे वो तो ऑन कर दिया, अभी नीचे की दिखाएंगे ये आपको, इस तरह नीचे दिखाओ, खाली दाखो। देखो अभी मैंने उजाला रखा है, फिर भी देखो नीचे किस तरह से दिखा रहा है आपको। देखो ये अंगूठी है और नीचे ऑलरेडी स्लैब में सलिया है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ देखो कैसे कर रहा है। देखो दोस्तों अंधेरे में कैसे काम कर सकते हो मशीन से, बहुत बेहतरीन मशीन है। अभी इसको बंद करेंगे ये, अब मैं लाइट भी ऑन करता हूँ, देखिए कितना बढ़िया उजाला गिर रहा है उसका। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी कोई मशीन खरीदना है, ट्रेनिंग लेनी है, किसी मशीन को समझना है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे से मशीन परचेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हर मशीन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, हर चीज़ को फील्ड पे जाके। अभी इनको कैसा है, ये ऑलरेडी सीख चुके थे, ये समझ रहे थे मशीन को, इसके लिए इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है सीखने के लिए। ये लोहे के ऊपर अलग आवाज़ करेगी और बाकी चीज़ों के ऊपर अलग आवाज़ करेगी। लोहे का आवाज़ हम इसमें बारीक भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये कैसे हेडफोन ऑन होता है, कैसे हेडफोन अटैच होता है, ये भी हमने बताया। कितना फोल्ड होती है मशीन, ये भी देख लो आप, जो नए नए व्यूअर्स होंगे हमारे बाकी भी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ हो गई मशीन, ये हो गई फोल्ड, ये हो गया काम। छोटी सी सैक में डालो, ये देखो ये पूरा सैक है, इनका ही सैक है, देखो इतना ही बाहर रहेगा। ये भी आपको अगर कुछ दिमाग लगा तो उससे भी नीचे जाएगा। बहुत बढ़िया मशीन है, हल्का है और कहीं भी फेंको कुछ नहीं। अभी कस्टमर है इसके लिए फेंकता नहीं हूँ मैं, लेकिन मालूम पड़ता है दोस्तों, ये देखो कोई चाइना वाइना का मशीन नहीं है, 2 साल का गारंटी के साथ में। आपको अगर लेना है तो आप ले लो, जल्दी जल्दी कॉल करो, मशीनें आती बिक जाती है, फटाफट बिक जाती है, और सिंप्लेक्स का सेल सबसे धड़ल्ले से है। बाकी कंपनी में जाने से अच्छा है कि ये ले लो, देखो ठीक है दोस्तों।